हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहास क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना समर फ्राइडे का रूटीन। तो आज मैं एक्चुअली काफ़ी लेट सोकर उठी हूँ, तो मुझे अपने जो प्रायोरिटी वर्क हैं वो आज मॉर्निंग के जो प्रायोरिटी वर्क हैं वो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अन्वित को आज मैं टोडलर ग्रुप भी लेकर जाऊंगी। लास्ट वीक वो टोडलर ग्रुप नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो फीवर था तो उसको लेकर नहीं गई, तो आज वो लेकर जाना है। तो मैं 9:45 तक वहाँ के लिए निकलती हूँ, तो इसलिए 9:45 तक मेरे जो मॉर्निंग के प्रायोरिटी वर्क है, मैं किस किस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है सौरभ का लंच। मैं मेक श्योर करती हूँ कि सौरभ ऑफिस लंच के बिना ना जाएं। तो लंच मेरा तैयार हो गया है, तो मैंने उसको ठंडा करने के लिए रखा है। तो मीनवाइल मैं अनवित को उसका पॉरेज खिला रही हूँ, ये भी मेरा प्रायोरिटी वर्क रहता है, अनवित को पॉरेज, उसका ब्रेकफास्ट कराना। और वैसे भी आजकल उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा परेशान। अनवित ने थोड़ा पॉरेज खाया, तो मैं अभी सौरभ के लिए लंच पैक कर रही हूँ। मैंने लंच में बनाया है आलू मेथी का सब्ज़ी। वैसे मेरा जो मेन्यू था उसमें था भरवा टिंडे, लेकिन भरवा टिंडे बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेथी फ्रिज में साफ़ रखा था, तो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया, तो मैंने जल्दी से आलू मेथी बनाया। और मैं अभी सौरभ का लंच ही पैक कर रही हूँ, तो लंच पैक करने में आलू मेथी के साथ मैं दही दूंगी, क्योंकि सूखी सब्जी के साथ कुछ भी लिक्विड दे देती हूँ, दाल या दही, तो दाल बनाने का भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो दही दे रही हूँ, समर है वैसे भी। और सैलेड और रोटी पैक करूँगी। और समर में जो मेन काम है वो है मेरे लिए मेरी समर ड्रेस सिलेक्ट करना, क्योंकि समर में ही पूरा कलेक्शन बाहर आता है ड्रेसेस का, और मुझे समर ड्रेसेस पहनने का वैसे भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो उसी के लिए अपना ड्रेस मैं निकाल रही हूँ। तो ये भी मेरा प्रायोरिटी वर्क में ही आता है, तो बस मैं अभी नहाने के लिए जाऊँगी। मैंने जल्दी से शावर लिया और मैं भी आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि ये भी मेरा प्रायोरिटी वर्क ही है, भगवान की पूजा करना, भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात मुझे धीरे धीरे समझ में आ रही है कि सुख हो या दुख, हमें भगवान को हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। तो अभी बस मैं पूजा ही कर रही हूँ, तो मैं हूँ अब रेडी। तो ये है आउटफिट ऑफ द डे, ये मैंने दिवाली पर भी पहनी थी अपनी ड्रेस, अगर आपने दिवाली वीडियो मेरी देखी है। तो मैं अभी तैयार होके आ गई हूँ, और उसके बाद मेरा जो मेन काम है वो है अनवित को रेडी करना, क्योंकि अनवित को ही टॉडलर लेके जाना है। तो मैंने उसको आज बात नहीं दिया, क्योंकि कल मैंने उसको बात दिया था, तो अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो एक दिन छोड़ के एक दिन उसको मैं नहला रही हूँ, तो बस उसी को भी तैयार कर रही हूँ टॉडलर ग्रुप लेके जाने के लिए। अनवित तैयार हो गया, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है अनवित का डायपर बैग रेडी करना, तो उसके लिए स्नैक रखा, उसका सीपर रखा, क्योंकि टॉडलर ग्रुप में बहुत बाहर कुछ खाता नहीं, और आजकल तो वैसे भी उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए कुछ स्नैक पैक कर लेती हूँ ऑलवेज़। सब काम के बाद आता है मेरा ब्रेकफास्ट, तो सब चीज़ें हो गई हैं, तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं मिल्क और ब्रेन फ्लेक्स ही ले रही हूँ, तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद मैं टॉडलर के लिए निकलूँगी। टोडलर ग्रुप में अनवित बहुत इन्जॉय करता है अपने सब फ्रेंड्स के साथ, तो अभी उसके फ्रेंड्स भी सब आने ही वाले होंगे, तो अभी थोड़े कम ही लोग आए हैं, तो धीरे धीरे करके आ रहे होंगे, तो अभी अनवित यहाँ पे इन्जॉय करेगा। समर है तो सब स्टोर्स में गार्डन डेकोरेशन का सामान बहुत ही अच्छा आया हुआ है, आप देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन का सामान रखा है गार्डन को डेकोरेट करने के लिए।
अनवित काफ़ी थक गया था तो आते ही वो सो गया, तो अभी मैं बस सबसे पहले चेंज करके आती हूँ क्योंकि बाहर से आते तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं घर के कपड़े पहन के पहले कंफर्टेबल हो जाऊँ फिर उसके बाद मैं आगे का काम करूँगी, तो बस मैं अभी पहले चेंज करके आती हूँ फिर मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। तो मैंने चेंज किया और उसके बाद मैंने घर को भी ब्रूम कर दिया क्योंकि मैं सुबह जब गई थी तो ब्रूमिंग करके नहीं गई थी क्योंकि मैंने सोचा जो काम प्रायोरिटी के हैं वो मैं कर लेती हूँ और क्लीनिंग तो आने के बाद भी कर दूँगी, तो घर अभी क्लीन हो गया है तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब अगर घर पे कुछ भी रहता है ना छोटा छोटा गंदा गंदा तो मतलब बहुत ही अजीब सा लगता है और फिर अनवित भी पूरे घर पे घूमता ही है तो इसलिए मतलब थोड़ा सा सफाई का ध्यान मुझे बहुत रखना पड़ता है। और बस अभी मैं लेके आई हूँ अपना लैपटॉप और मैं अभी करूँगी थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़ा सा चीज़ें देखूँगी क्योंकि आपको जैसे पता है कि हम लोग इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं तो वही इंडिया के लिए कुछ ड्रेसेस सोच रही हूँ लेने का, ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि इंडिया में मुझे शॉपर स्टॉप लाइफस्टाइल और पेंटलून बहुत ज़्यादा पसंद है तो वहाँ तो हम लोग जाएंगे ही जाएंगे, तो अभी देख रही हूँ अगर ऑनलाइन मुझे कुछ पसंद आता है तो मैं ऑर्डर करूँगी और क्या ऑर्डर करूँगी वो तो मैं आपको इंडिया में ही जाके दिखाऊँगी, तो बस हम लोगों का यही प्लान है और इंडिया में तो प्लान है मेरा कि मैं अपना पूरा ट्रिप आपके साथ शेयर करूँगी, बस ये है कि मुझे नेट थोड़ा अच्छा मिल जाए वहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए, तो बस मैं अभी ये करूँगी वीडियो सॉरी ऑनलाइन का ऑनलाइन चीज़ें देखूँगी अपने लिए और फिर अनवित उठ जाएगा तो उसको भी लंच कराऊंगी और मैं भी अपना लंच करूंगी, तो मेरा तो लंच वही सैलेड ही रहता है लंच में क्योंकि आज शाम को फ्राइडे है तो आज मैं शाम को छोले बनाऊंगी तो मैंने वो सुबह ही भिगा के रख दिए थे, तो बस मैं फिर अभी यही काम कर लेती हूँ। तो मेरा अभी लंच हो गया है और अनवित भी सो के उठा तो उसका भी मैंने लंच कराया, तो मैं अभी इस वाले रूम में आके बैठ गई हूँ, यहाँ पे सन बहुत ही अच्छा आ रहा है और लेके आई हूँ नोटबुक अपने साथ क्योंकि इसमें मैं अनवित की जो मुझे सामान अपने साथ कैरी करना है वो और जो उसका लगेज में लेके जाना है वो तो उसको मैं जो डाउन कर रही हूँ क्योंकि कल वीकेंड है तो कल से तो जो भी चीज़ें बेसिकली अनवित के लिए लेके आनी है तो हम लोग वो लेके आ जाएंगे और मुझे फिर कल पैकिंग शुरू करनी है अपनी, तो अपना क्योंकि ऐसे वन वीक पहले से ही सब चीज़ें स्टार्ट कर देती हूँ कि वन वीक पहले से ही सब चीज़ें स्टार्ट नहीं बेटा ऐसे होती है एक मदर की लाइफ बहुत टफ एज अ यूट्यूबर क्योंकि बच्चे का मूड बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है वीडियो शूटिंग में, तो वही मैं बोल रही थी कि मैं अभी ये लेके आई हूँ और इसमें मैं अनवित की जो लिस्ट है वो तैयार कर रही हूँ कि अनवित को क्या क्या ज़रूरत लगेगा और कल वीकेंड है तो हम कल फिर सामान लेके आ सकते हैं। लेके आओ जाओ बॉल 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 पुट करो उसमें जाओ जल्दी से लेके आओ बॉल बॉल डालो। तो ये है मेरी नोटबुक जिसमें मैं चीज़ें नोट कर रही हूँ अनवित के लिए कि क्या क्या लगेगी और इधर भी मैं अपनी लिस्ट तैयार कर रही हूँ कि क्या क्या मुझे ज़रूरत है कि जो मुझे इंडिया से लेके आना है जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लेने में मुश्किल होती है तो वो मैं साथ के नोट करते जा रही हूँ, तो ये टाइम मुझे मिलता है एक्चुअली थोड़ा सा कि मैं अपने लिए कुछ टाइम निकालूँ।
तो अभी अनविद की राइम लगाऊंगी, टाइम हो गया है शाम के 5 o'clock, तो अनविद का दूध बनाऊंगी थोड़ा, और अपने लिए भी चाय बनाने के लिए जा रही हूँ, तो पहले बस मैं अनविद की राइम ही लगा रही हूँ। आज मुझे बहुत सालों बाद अपने स्कूल की एक फ्रेंड मिली है, तो उसी से ही मैं बात कर रही हूँ, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 20 ईयर्स बाद मैं बात कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। कि क्या आप समझ सकते हैं कि स्कूल के फ्रेंड्स मतलब बेसिकली एक ही आपका शहर, एक ही स्कूल और वही सब चीज़ें, तो कितना मज़ा आता है। तो वही उससे बातें करने में इतनी ज़्यादा मगन हो गई हूँ मैं अभी कि फ़ोन भी रखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को बात करके। मैं फ्रेंड के साथ बातें करने में इतनी मगन हूँ आज कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि आज सौरभ जल्दी आएंगे, और मैंने चाय बनने रख दिया, तो फिर मुझे बीच में ही सौरभ का फ़ोन आया कि मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, तो फिर मुझे लगा अरे आज तो सौरभ को जल्दी आना था, क्योंकि सौरभ अभी बैडमिंटन खेलने के लिए जाएंगे। तो ये ऐसे होता है कभी कभी हाल जब बिछड़े हुए लोग मिलते हैं। तो मैं चाय बनाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन मुझे याद आया कि आज सरों को जल्दी घर आना है, तो हम लोग फिर साथ में ही चाय पियेंगे। क्योंकि मैं एक्चुअली मेरा एवरीडे का रूटीन तो आपको पता है कि मैं पहले चाय पी लेती हूँ अभी, और मैं फिर जिम के लिए निकल जाती हूँ, फिर सौरभ चाय पी लेते हैं, लेकिन आज हम दोनों साथ में ही चाय पियेंगे। आज मेरा जिम जाने का प्लान कैंसिल, क्योंकि सौरभ को बैडमिंटन खेलने के लिए जाना है अभी, तो वो आएंगे और चाय पियेंगे। तो सौरभ को लगी है भूख, तो सौरभ ने बोला है कि कुछ बना लो खाने के लिए, तो फ्रिज में स्प्रिंग रोल्स पड़े हैं, तो मैं अभी उसको ओवन में लगाऊंगी, क्योंकि भूख लग जाती है सुबह से शाम तक ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ऐसा सच कुछ टपरी या फिर ढाबे तो है नहीं जहाँ पे जाके आप चाय, वड़ा पाव, समोसा ये सब खा लो, तो फ्रूट्स लेके जाते हैं, तो फ्रूट्स में भी उतना पेट नहीं भरता, सैलेड देती हूँ, तो अगेन शाम को आते आते थोड़ा भूख तो लगी जाती है, ऑफिस आने के बाद कुछ ना कुछ हैवी चाहिए खाने के लिए, तो बस मैं अभी वही लगाऊंगी, और फिर आज मैं और सौरभ साथ में ही चाय पियेंगे। तो मैंने अभी छोले भी अपने उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं अभी बनाऊंगी शाम को छोले और चावल, तो मेरे पास आज बहुत सारा टाइम है शाम को काम करने के लिए, क्योंकि जिम जाती हूँ तो मेरा अलग रूटीन रहता है, तो सब काम फटाफट करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं आराम आराम से काम कर सकती हूँ। तो ये है वो ट्रेल मिक्सचर जो मैं आपको बता रही थी कि मैं आज लेके आई हूँ, तो उसमें बहुत डिफरेंट है, कुछ में फ्रूट्स, नट्स और रेजिन्स और काफ़ी कुछ मिक्स है, कुछ में चॉकलेट मिक्स है, तो ये सब लेके आई हूँ लेके जाने के लिए इंडिया। तो ऐसे मतलब बहुत सारे पैकेट लेके आई हूँ मैं, तो ये लेके आई हूँ, और एक चॉकलेट लेके आई हूँ, तो ऐसे ही चल रहा है सब चॉकलेट्स और सब चीज़ों का,
तो अभी सौरभ भी ऑन द वे ही है, तो स्प्रिंग अनियंस भी हो गए हैं और चाय भी बन गई है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हम साथ में चाय पियेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का चाय तो मैंने छोड़ दिया है और इवनिंग का ही टी है जो हम लोग साथ में पियेंगे। बस वीकेंड्स पे हम लोग कभी साथ पीते हैं, लेकिन आज चलो एक हफ्ते बाद फिर से हम साथ में पियेंगे चाय। तो बस मैं अभी जा रही हूँ चाय छानने के लिए। ये देखो ये एक अलग है, इसमें वो है पीनट रेजिन चॉकलेट और रेजिंस। ये वाला और भी अच्छा होगा चॉकलेट वाला। ये मैंने यूएस का खाया था एक बार ना, मेरे फ्रेंड लेके आई थी। तो अभी सौरभ चले गए हैं अपना बैडमिंटन खेलने के लिए, और क्योंकि अभी तो टाइम 6 o'clock ही हुआ है, क्योंकि सौरभ आज जल्दी ऑफिस से आए थे क्योंकि सौरभ को बैडमिंटन खेलने के लिए जाना था। मैं अभी अपना एक प्रोग्राम देखूंगी इस बीच में, फिर उसके बाद मैं डिनर की तैयारी करूंगी। मुझे राइस बनाने हैं और छोले तो मैंने ऑलरेडी बॉयल कर दिए हैं। तो मैं एक्चुअली आपसे बोलना चाहती थी कि मैं अपने ब्लॉग्स में कभी कभी बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होती हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अनवित अभी बहुत छोटा है और छोटे बच्चे के साथ तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब प्रॉब्लम होती है। उसका मूड एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मतलब डिपेंड करता है कि कब उसका मूड अच्छा है कब नहीं है। और अभी लास्ट वीक तो उसका एक्चुअली तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसको फीवर था लास्ट वीक, और अभी पूरा उसका रनिंग नोज है तो थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा छोटे बच्चे के साथ परेशानी होती है, तो टफ है एक यूट्यूबर की लाइफ जो छोटे बच्चे जिनके हैं। तो मुझे मतलब मैं उनको मतलब वो लोग समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जिनके भी छोटे बच्चे हैं और व्लॉगर्स हैं तो वो मेरी कंडीशन समझ सकते हैं कि कितना टफ होता है एक छोटे बच्चे के साथ शूटिंग और एंड ऑल। लेकिन फिर भी मैं और मुझे काफ़ी लोग मैसेज करते हैं कि प्लीज़ आप अपना ब्लॉग कब बना रहे हो, तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगी कि मुझसे वो लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैं अपना ब्लॉग कब बना रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं अभी अपना प्रोग्राम देखूंगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी छोले। अनवित, अनवित अभी मम्मी चलाएगी अपना प्रोग्राम, ठीक है? योर टर्न इज ओवर नाउ, आर यू गेटिंग अनवित?
मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है और रणवीर भी थोड़ा स्लीपी था तो थोड़ा देर के लिए अभी सो गया है। तो मैं अभी आई हूँ छोले बनाने के लिए। तो छोले बनाने में मैं पैन में ऑयल लेती हूँ और इसमें थोड़े खड़े मसाले डालूँगी और ज़ीरा डालूँगी। उसके बाद मैं चॉप्ड अनियन इसमें डाल, तक मेरे अनियन फ्राई होंगे तब तक मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं गैस पे, तो पैरेलली मेरे चावल भी बनते रहेंगे। अनियन फ्राई होने के बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है और इसके बाद मैं भी इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी। मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी, गरम मसाला पाउडर डालूँगी, जिंजर पाउडर डालूँगी, अमचूर पाउडर डालूँगी। अमचूर पाउडर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, अगर अनारदाना पाउडर हो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसमें डालूँगी MDH का छोले मसाला जो इसके टेस्ट को और भी एनहांस करेगा, और थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और कसूरी मेथी, और फिर इसमें ऐड करूँगी टोमेटो प्योरे। छोले भी अच्छे से गल गए हैं। मैं आपको एक बार कलर दिखा देती हूँ। तो ये कलर टी बैग और जो मैंने इसमें बॉईल करते वक्त खड़े मसाले डाले थे उनकी वजह से आया, और अरोमा भी बहुत अच्छा आएगा खड़े मसालों। मसाला अच्छे से कुक हो गया है तो फाइनली मैं इसको छोले में ऐड करके प्रेशर कुक करूँगी 1 to 2 whistle। तो इससे मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा छोले के साथ और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो बस मेरा अभी डिनर रेडी हो जाएगा, हो गया ऑलमोस्ट। तो इसके बाद फिर मैं दिया जलाऊंगी और तब तक सौरभ भी आ ही जाएंगे। तो अभी सौरभ भी आ गए हैं और मैं अभी रोटी सेक रही हूँ, तो जब तक सौरभ शावर लेंगे तो तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। तो अभी रोटी तो सब बन गई है तो मैं भी खाना परोसने के लिए जा रही हूँ। छोले का कलर देखते ही छोले एकदम खाने का मन कर रहा है क्योंकि देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। छोले मैंने थोड़ा सा पतले बनाए हैं क्योंकि ये हम लोग राइस के साथ खाने वाले हैं। अगर मैं छोले भटूरे के साथ बनाती हूँ तो उनका ग्रेवी मैं थिक करती हूँ। तो हम लोग छोले के साथ सैलेड में अनियन खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ये है हमारा आज का डिनर और होपफुली आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।